Hello friends, this is Sanjay Verma, spoken English trainer and educational trainer. आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त आइडिया लेके आया हूँ. मेरे बहुत से व्यूअर्स ने जो स्पोकन इंग्लिश की वीडियो देखते हैं उन्होंने डिमांड की थी कि सर वोकैबुलरी एनरिचमेंट के लिए भी वीडियो बनाइए. काफी रिसर्च करने के बाद आई गॉट एन आइडिया एंड द आइडिया इज वर्ड ऑफ द डे. मीन्स डेली हम क्या करेंगे, एक वर्ड ऑफ द डे, एक वर्ड लेंगे हम, उस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, नेट पे सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरीज में देख सकते हैं और बहुत सारी सिनोनिम और एंटोनिम्स की बुक्स में देख सकते हैं. मल्टीपल्स वर्ड सर्च करने के बाद उनको हम लिखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे. दोस्तों वोकैबुलरी एनरिचमेंट हम रट के नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी से हमने कुछ वर्ड्स लिए रट लिए, ऐसा नहीं है. अनटिल अनलेस वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ द वर्ड्स इन स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस वी आर नॉट एबल टू एनरिच आवर वोकैबुलरी. हमारा शब्दकोश तभी बढ़ेगा जब हम शब्दों को, वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे उनको, तभी वो हमारे दिमाग में आएंगे और तभी हम उनको बार बार यूज कर पाएंगे. तो आज की जो टेक्निक है वो है वर्ड ऑफ द डे. डेली एक वर्ड लेंगे आप, उसको प्रैक्टिस कीजिए आप पूरे दिन, एक दिन दो दिन, आप आपका जो लेवल है. अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप एक वर्ड को दो दिन या तीन दिन के लिए ले सकते हैं. आप बेसिक्स आपको आता है तो टू डेज कर सकते हैं. एडवांस लेवल पे अगर आप हैं तो आप डेली एक वर्ड ले सकते हैं. उस वर्ड से आप 10, 15, 20 वर्ड्स बनाइए. आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको. चलिए एक दिन हमने वर्ड रखा हैप्पी, खुश. कितना आसान सा शब्द है, बट देर आर सो मेनी वर्ड्स विच कैन बी सिनोनिम फॉर हैप्पी. उन वर्ड्स को हम एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे. हम मॉर्निंग में हम देखेंगे उनको, रीड करेंगे हमको बार बार, दिन में हम उनको रीड करेंगे, उनको यूज करेंगे. हम कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए कोई घर पे आता है, हमें एक सेंटेंस ही बुला लिया हमने, आई फील हैप्पी टू सी यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आई फील ग्लैड टू सी यू, आई फील चीयरफुल टू सी यू, आई फील इलेटेड टू सी यू, आई फील प्लीज्ड टू सी यू. देखिए मैंने 5-6 शब्द बना दिए हैं, इनको आपने एक बार देखिए, इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे मुझे ये वर्ड्स को यूज करने में. इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. आप कहीं पर भी किसी चीज में आप इस सेंटेंस को यूज कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए. आप चलिए कुछ और वर्ड्स बताता हूं आपको. आई फील डिलाइटेड टू सी यू, आई फील जॉली टू सी यू, आई फील जॉयस टू सी यू टूडे, आई फील मैरी, आई फील रैप्चरस टू सी यू, आई फील जेस्टी टू सी यू. देखिए मैंने 12-13 वर्ड्स यूज कर दिए मैंने. इस तरह से आप वर्ड ऑफ द डे को आप मल्टीपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके उनका यूज कीजिए. आप जब आप उनको यूज करेंगे तो आपके दिमाग में वो पिक्चर बन जाएगी, उस सेंटेंस के साथ आप बॉन्डिंग कर लेंगे और जब कभी भी आपको ऐसा वर्ड आपके सामने आएगा तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन दैट डे आई वॉज थिंकिंग अबाउट, आई फील फील मुझे खुशी के साथ ये रिलेटेड था. चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैंडसम वर्ड. देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, हैंडसम होते हैं, बार बार यूज करते हैं, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप. चलिए इस वर्ड को हम इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में यूज करें, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप बहुत ही स्मार्ट, यू आर लुकिंग हैंडसम टूडे, यू आर लुकिंग स्मार्ट टूडे, यू आर लुकिंग प्रिटी टूडे, यू आर लुकिंग फैसिनेटिंग टूडे, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव टूडे, यू आर लुकिंग कैप्टिवेटिंग टूडे. देखिए मैंने 6-7 शब्दों का यूज किया, वर्ड्स का यूज किया है और किस तरह से कितने आसानी से हम इन चीजों को सीख सकते हैं. इसको थोड़ा सा हो जाए हम, यू आर लुकिंग विनसम टूडे, यू आर लुकिंग मार्वलस टूडे, यू आर लुकिंग टेम्पटिंग टेम्पटिंग टूडे, यू आर लुकिंग एलोरिंग, यू आर लुकिंग alluring today, you are looking gorgeous today. So means such kind of words can be used. Is tarah ke words ko humne use karna hai and you will feel that by using these kind of sentences into your daily use, is tarah se aap daily use mein agar hum use karenge to one day you will learn multiple words. Aap dekhiye aapne, maine aapko aaj ki is class mein maine aapko do word bataye hain, un do wordon se aapne 25 to 30 words aap seekh gaye. इनको आप प्रैक्टिस कीजिए. आप इस तरह के बहुत से वर्ड्स
आप कभी आप वंडरफुल वर्ड को ले लीजिए, वंडरफुल को कैसे बनाएंगे, वंडरफुल मान लीजिए आपको टीवी देख रहे हैं, टीवी शो पर ही ले लीजिए आप, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट की बैटिंग पे ले लीजिए आप, बॉलिंग पे ले लीजिए, इट्स मार्वलस, इट्स वंडरफुल, इट इज स्प्लेंडेड, इट इज मीन्स सो मेनी वर्ड्स आर देयर। सो इस तरीके से आप क्या है कि वर्ड्स को एनरिच कर सकते हैं, वर्ड्स मीन्स अपनी जो वर्ड पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, वोकैबुलरी जिसको हम बोलते हैं वो अपनी इनरिच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का तरीका मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मोटिवेटिंग होगा मुझे ये जानकर कि आप कैसा फील कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का ज्ञान यहीं तक सीमित है, कल फिर हम एक टॉपिक के साथ कुछ और पॉइंट्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।